तितली देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन इसको पूरी तरह तितली बनने में 4 चरण लगते हैं। पहला चरण है अंडा, यह प्राइमरी स्टेज है। मादा तितली एक बार में 200 से 300 अंडे देती है। दूसरा चरण है लार्वा, इस स्टेज में अंडे विकसित होकर लार्वा बन जाते हैं और इसको कैटरपिलर लार्वा भी कहा जाता है। लार्वा का इस अवस्था में रहने का समय 2 से 5 सप्ताह का होता है। यह माना जाता है कि बटरफ्लाई के जीवन चक्र का यह सबसे खतरनाक अवस्था होती है, ज़्यादातर मृत्यु इसी स्टेज में होती है। तीसरी स्टेज है प्यूपा, प्यूपा को क्राइसिस भी कहा जाता है। इस अवस्था में लार्वा एक हार्मोन रिलीज करता है जो लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट करता है। इस स्टेज में ये 1 से 2 सप्ताह तक रहती है। अब ये लास्ट स्टेज है, अब तितली पूरी तरह विकसित हो चुकी है और अपने पंख फैलाने को तैयार है।